हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ चंद्रीमा। मैं हूँ चंद्रीमा। आज की हमारी रेसिपी है तेलापिया फ़िश करी। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टफुल, फ्लेवरफुल, शोरबेदार रेसिपी है जिसको आप राइस आइटम्स के साथ या फिर रोटियों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे दो मीडियम साइज़ के, यानी तकरीबन 300 ग्राम करके ईच तेलापिया फ़िश लिया है। और यहाँ पे हम चलिए फ़िश को पहले मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया हुआ है, यानी कि टर्मरिक पाउडर। उसके साथ सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर आप 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, और जो ऑयल है वो 3 से 4 टेबलस्पून ले लें। ऑयल मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल से ये जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनती है। फिर उसको अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड से पूरे फ़िश को मैरिनेट कर लीजिए। अगर आपको फ़िश की स्मेल पसंद नहीं है तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पैन ले लेते हैं, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें तकरीबन 150 से 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे हमने यूज़ किया है, देखिए डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश आपका जो पैन के सरफेस से ना चिपके तो उसके लिए आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने घुमा लिया है और अब सीधा फ़िश को हम ऑयल में डाल देंगे। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करें, क्योंकि फ़िश और ऑयल जो है बहुत ही रिक्सी चीज़ होती है। ऐसे फिर इसको एक साइड से 2-3 मिनट कुक होने के बाद दूसरे साइड से भी 2 मिनट तक कुक कर ले। आप ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे करें। अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। देखिए फ़िश अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, पूरा गोल्डन कलर का। फिर उसके बाद हम ग्रेवी को तैयार करेंगे। ऐसे प्याज ले ले, प्याज को देखिए मैं कितनी बारीकी से काट रही हूँ। कुछ इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस आप निकाल ले प्याज के। उसके बाद कम्प्लीटली सारे प्याज यहाँ मैं पहले 5 से 6 जो है प्याज काट लिए हैं। फिर उसके बाद ऐसे थोड़े से तेज पत्ते, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो बाज़ार से जो सूखे पत्ते मिलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। फिर एक पैन में उस गरम तेल के साथ हम मिलाएंगे 5 फ़ोरन, यानी कि 5 स्पाइसेस। उसके साथ जो है गरम मसाला और हमारा कटे हुए प्याज जो है वो हम मिला देंगे। कुछ इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें धीरे धीरे सारे प्याज़ों को गोल्डन होने तक, पिंकिश गोल्डन होने तक पकाना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसको अच्छे तरीके से कच्चे की मदद से आप मिला लें। ये भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही होगा। होते होते आप इसमें टमाटर डाल दें। यहाँ पे 1 टमाटर मैंने मीडियम स्लाइसेस करके मिला लिया है। टमाटर से जो है थोड़ा सा खट्टापन इसमें ऐड हो जाएगा। अब जो हमने तेज पत्ता लिया था उसको डाल देंगे। तेज पत्ते से इसका फ्लेवर पूरी तरीके से बदल जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा आपकी ये डिश। और तेलापिया जो फ़िश है वो भी बहुत टेस्टफुल होती है। अब थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। थोड़ा कितना, ये आप 2 कप पानी ले सकते हैं। फिर टेस्ट के हिसाब से 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी से बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आता है, आप 1/2 टीस्पून हल्दी ले लीजिए। फिर इसको अच्छे से पकाना है अराउंड 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद हमारे जो फ्राई किए हुए फ़िश हैं उसको ऐड कर देंगे हमें शोरबे में। अब धीरे धीरे करके दूसरे साइड से भी इस फिश को पका लें। 2 से 3 मिनट के बाद आप साइड पलट लीजिए। तैयार है आपका बहुत ही टेस्टी तेलापिया फ़िश करी। ये बहुत ही प्रोटीन रिच डिश होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हर रोज़ नए नए रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और रिंग बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर रोज़ नए नए रेसिपीज़ के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।